हर साल 25 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को थायराइड के प्रति जागरूक करना है। थायराइड ग्लैंड के सही तरीके से काम न कर पाने की वजह से ये समस्या होती है। खासतौर से 60 साल की उम्र से ज्यादा महिलाओं में थायराइड की दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। थायराइड तिल्ली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गले के आगे के हिस्से में होती है। ये एक हार्मोन बनाती है जिसकी मदद से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है। जब हार्मोन का स्तर बहुत कम या बहुत अधिक होता है तो शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। बहुत अधिक वजन बढ़ना या घटना, वजन में बदलाव आना थायराइड डिसऑर्डर के सबसे आम लक्षणों में से एक है। वजन बढ़ना थायराइड हार्मोन के कम होने का संकेत देता है जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। वहीं अगर थायराइड शरीर में बहुत ज्यादा हार्मोन बनाता है तो वजन बहुत ज्यादा कम होने लगता है, इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। लगातार लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म ही पाया जाता है। गर्दन में सूजन, गर्दन में सूजन या इसका बढ़ जाना थायराइड की गड़बड़ी का स्पष्ट संकेत है। इसमें गले में गोइटर यानी कि गंडमाला बन जाती है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में हो सकता है। कभी कभी गर्दन में सूजन थायराइड कैंसर या गांठ की वजह से भी हो सकती है। हृदय गति में परिवर्तन, थायराइड हार्मोन शरीर के लगभग हर अंग पर असर डालता है। इसकी वजह से दिल की धड़कन में भी बदलाव आने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोगों की हृदय गति सामान्य से धीमी हो जाती है जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ये गति तेज हो जाती है। ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। एनर्जी और मूड में बदलाव, थायराइड डिसऑर्डर का एनर्जी लेवल और मूड पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में लोगों को थकान, सुस्ती और उदासी महसूस होती है तो वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से चिंता, नींद न आने की समस्या, बेचैनी और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत ठंड या गर्मी महसूस होना, थायराइड डिसऑर्डर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को बाधित करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोगों को सामान्य से अधिक ठंड लगती है जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को बहुत अधिक पसीना आता है।